फ्रेंड्स टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग डेमो सेशन एंड दिस सेशन इज बेस्ड ऑन हिंदी सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे जो हिंदी पर्टिकुलर डेमो जरूर पसंद कर रहे होंगे एंड दे वांट टू गो फॉर हिंदी डेमोस और उस दौरान आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए और मैं आपको यही कहूंगा कि इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में कुछ पॉइंट्स जरूर करके जाइए स्पेशली फॉर पीआरटी स्टूडेंट्स। और मेरा मानना है बच्चों कि अगर आपके पास हिंदी में कोई अच्छी पॉइम है तो आप उसे एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्रेस कीजिए। रीजन इज ओनली वन, अगर आप एक्सप्रेशंस देते हैं आप ज्यादा अच्छा आउटपुट लेकर आएंगे। यू नो ऑलरेडी मेरे ख्याल से बहुत से डेमोज ऐसे आपने देख लिए हैं जिसमें आपको डेट प्रकरण और मेरे ख्याल से क्लास अवधि सब मालूम चल गया है। थिंग जो हम आज सीखना चाहते हैं दैट इज ओनली वन कि हम डेमो को प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या वे रहेगा कि हम जब वहां जाए हमें वो डेमो के लिए बोले तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। बीएड के अंदर ये फॉर्मेलिटीज आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैडम आर यू कंफर्टेबल, क्या आप रेडी हैं? और मैं एज्यूम करता हूं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने आपको बोला प्लीज आप खड़े होइए और ये एज्यूम कीजिए कि हम स्टूडेंट्स हैं और आपके सामने बैठे हैं और आपको एक छोटा सा डेमो देना है। उस दौरान आपने ये डेट लिखी, प्रकरण लिखा, क्लास लिखा, अवधि लिखा। आपने प्रकरण जब लिखा उसके बाद अपने टॉपिक को नहीं लिखेंगे पहले, ओनली वन थिंग, पहले आप एक प्रस्तावना बनाएंगे कि फ्रेंड्स क्या ऐसा है। जब उन बच्चों को आप वहां तक लेकर आओगे उसके बाद आप अपने टॉपिक पर आओगे। तो मैं सारा टॉपिक मैडम को देता हूं और आई होप यू विल हैंडल द सेशन। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग जब ट्रैफिक पे जाते हैं ना, जाते जाते रुक जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वहां पे हमें तीन सिग्नल दिखाई देते हैं। कौन कौन सी होती है? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड रेड का मतलब क्या होता है? रुक जाना। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम। पीली कहे होशियार, रुकने को हो जाओ तैयार। हरी बताए चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। तो बच्चों लाल बत्ती क्या बताती है? कि हमें रुक जाना है। और जब पीली जलती है बोलती है होशियार हो जाओ, और जब हरी बत्ती चलती है इसका मतलब होता है आगे आगे बढ़ते जाओ यानी चलते जाओ। वेरी नाइस मैम, रियली नाइस, रियली अप्रिशिएबल स्टूडेंट्स। और मेरे ख्याल से जब आप डेमो के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स आपके पास इतना ही समय होता है कि आप एक छोटा सा प्यारा सा प्यारी सी एक मैटर लेकर जाओ और आप उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रेजेंट करके दीजिए। नो डाउट आपके पास 5 ऐसे डेमोज होने चाहिए आपके 5 बायोडाटास के साथ। जब आपको 5 डाटा के लिए बायोडाटास के लिए उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली आपका फर्ज है कि 5 ऐसे डेमोज भी लेके जाइए। उसमें आपका लक चलेगा स्टूडेंट्स। आइदर दे विल आस्क यू कि आपको डेमो प्लान लेकर आइए, एक्शन प्लान लेकर आइए, आप करिए अपना प्रेजेंट। और दूसरा ऑप्शन वो खुद आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर माय स्टूडेंट वाज आस्क्ड इन इंग्लिश, ही वाज आस्क्ड दिस पर्टिकुलर टेंस, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप समझा दीजिए बहुत अच्छे से। अब वो स्टूडेंट उस चीज के लिए ऑलरेडी तैयार था बट घर से प्रिपेयर नहीं करके आया था, पर आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि वो कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो मैडम यू हैव डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से इस तरीके का डेमो सेशन अगर मेरे स्टूडेंट्स को जरूर बेनिफिट देगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू, एंजॉय लाइफ।